हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दो वीडियो आज की डेट में आ चुकी है, इन दोनों वीडियो को देखिए, वॉच लिस्ट में इन स्टॉक्स को ऐड कर लीजिए। बहुत जल्दी ये आपको भागते हुए दिखाई देंगे और अच्छा खासा पैसा इन दोनों स्टॉक्स में बनता हुआ दिखाई देगा। और आज की डेट में हम जिन स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करने वाले हैं वो ऐसे 7 स्टॉक्स है जिनका रेट 60-65 रुपीज से नीचे ही यहाँ पर चल रहा है और अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। और छोटे पैनी स्टॉक्स है, कम इन्वेस्टमेंट करना है और यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट की सोच भी रहे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है सबसे पहले, उसके बेस में यहाँ पर कोई भी पोजीशन लीजिएगा। अगर बात करें यहाँ पर इन्वेस्ट फॉर एवर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतना बेहतरीन हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। प्लेलिस्ट पर गो थ्रू करिए और इन वीडियोस को जाके देखिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरी वीडियोस को देखिए। और हमारी फाइनेंशियल सर्विस चाहिए तो इसको नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम यहाँ पर अपने फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड आपको यहाँ पर बातें बता देंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जिन स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले उसका नाम है सूर्य लक्ष्मी कॉटन। सूर्य लक्ष्मी कॉटन, जैसे ही कॉटन यहाँ पर आपको नाम में ही टेक्सटाइल नजर आता है, ओके, तो यहाँ पर ये टेक्सटाइल से रिलेटेड शेयर है और लगभग 29% ये शेयर यहाँ पर गिर चुका है। और एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल जो इसका यहाँ पर बनता है 57 रुपीज के आसपास, ये यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। इसके अलावा यहाँ पर एक 54 रुपीज का भी यहाँ पर सपोर्ट है और उसके बाद अगर हम बात करें एक सपोर्ट उसका यहाँ पर 50 रुपीज के आसपास रहता है, तो मतलब 8-9 रुपए की गिरावट। उसके अलावा अगर हम बात करें टारगेट, तो टारगेट यहाँ पर 75 रुपीज तक आता है। तो थोड़ी सी गिरावट और हाई रिटर्न, इस तरीके का हमारा नजरिया रहता है कि बिल्कुल कम यहाँ पर रिस्क हो और जब रिटर्न मिले तो एक अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए नजर आए, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। इसकी तरफ ध्यान देने का रीजन क्या है? इसकी तरफ ध्यान देने का रीजन सिंपल है कि ये जो शेयर है सूर्य लक्ष्मी शेयर, मैं इसे लगभग 35 रुपीज से ट्रैक कर रहा हूँ जब ये शेयर यहाँ पर चल रहा था। इसके लास्ट टाइम जब रिजल्ट आया था उसके बाद ये अपर सर्किट, उसके बाद यहाँ पर शेयर भागता हुआ नजर आया, पकड़ में ही नहीं आया, ये अपर सर्किट में चलता था। क्यों चलता था? क्योंकि इसके जो नंबर थे वो काफी बेहतरीन थे, काफी लाजवाब यहाँ पर नंबर थे, ओके। और अभी भी अगर हम बात करें तो देखिए 184 करोड़ रुपीस का यहाँ पर सेल्स है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स नजर आ रही है इसकी कंपनी की। नेट प्रॉफिट की बात करें, जो कंपनी घाटे में चलती थी वो यहाँ पर प्रॉफिट में है। यहाँ पर ईयरली बेसिस पे बात करें, जो 5 लाख का प्रॉफिट था वो अभी बात करें तो लगभग 4 करोड़ 22 लाख रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट है। तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर रिजल्ट पेश कर रही है धीरे धीरे, तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर इस कंपनी की तरफ ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा रहा है। कंपनी यहाँ पर देखिए तो हाईएस्ट लेवल यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इसके अलावा कंपनी के रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, बोरिंग यहाँ पर कम है, कंपनी का कैश रेशियो भी ठीक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, एफआईडीआईज नहीं है बट यहाँ पर ऑपरेटर एक्टिव रहते हैं। ऑपरेटर जहां पर एक्टिव रहेंगे वहीं पर यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेयर आपको अच्छे खासे तरीके से भागता हुआ नजर आता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले जब इसके क्वार्टर के रिजल्ट होंगे उससे पहले इतना भी नहीं, अगर हम मानते तो लगभग लगभग 70 रुपए तक का टारगेट हम लेके चलते हैं। 12 रुपए यहाँ पर अगर हम बात करें, 12 रुपए भी बढ़ जाता है तो 12 रुपए बढ़ने का मतलब है लगभग यहाँ पर कितने 20% तक के रिटर्न, यहाँ पर 19% 20% के रिटर्न बनते हैं। तो ये रिटर्न अगर 3 महीने में मिल जाते हैं कोई बुरे बड़े रिटर्न नहीं है, काफी बेहतरीन रिटर्न होते हैं। तो यहाँ पर इसकी तरफ ध्यान दीजिए। इसके अलावा एक शेयर की तरफ और ध्यान देने जो कि सेम क्राइटेरिया सेम सेक्टर से है, ट्राइडेंट। ट्राइडेंट की बात करें, एक बेहतरीन शेयर, आज के दिन भी देखिए 5% का यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया है और इस बार ये शेयर लगभग यहाँ पर 50 रुपीज तक का यहाँ पर टारगेट अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। बट ये शेयर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑपरेटर इसे यहाँ पर काफी ड्राइव करते हुए नजर आ रहे हैं और ड्राइव करने का रीजन भी है कि कंपनी यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट पेश करती हुई नजर आ रही है और जब तक कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती आएगी तो अच्छी खासे तरीके से शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा। और ये शेयर कोई छोटा मोटा शेयर नहीं है, मिड कैप कंपनी है, ओके। यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेसिस पर बात करें, हाईएस्ट एवर सेल्स और यहाँ पर प्रॉफिट देखें तो कंपनी का ईयरली क्वार्टरली बेस पर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, इस वजह से शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए कंपनी अभी भी हाईएस्ट एवर कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है। तो ये इसके प्रोडक्ट्स भी आपने देखे होंगे, ये पेपर में भी कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एफआईआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है, यहाँ पर बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, पब्लिक की होल्डिंग अच्छी खासी है। तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए, ये एक बेहतरीन यहाँ पर चॉइस हो सकती है। बट अभी अपर सर्किट में है तो अपर सर्किट में चलने वाले शेयर लोअर सर्किट में नीचे भी आते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं एक और शेयर की जो कि कभी भी आपको यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा,
वक्रांगी 20 रुपए का शेयर जब यहाँ पर ये ट्रेड किया करता था 20 रुपए 25 रुपए के आसपास, तब से यहाँ पर बताया, फिर उसके बाद एक अच्छे खासी 60-70 रुपीज तक की रैली, ओके, उसके बाद यहाँ पर ये शेयर दोबारा 29, फिर उसके बाद ये दोबारा 47, अभी ये 37 पे यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कंपनी एक, ये जितनी भी कंपनी है ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। ये मत सोचेगा कि ये पेनी स्टॉक्स है, ये आपको राकेश झुनझुनवाला की तरह करोड़पति बना देगी, टाइटन की तरह बना बन जाएगा शेयर। इनमें टाइम टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे प्रॉफिट होता रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो कब अटक जाएंगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगी। तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस शेयर की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर ये शेयर काफी बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन नजर आता है? इसके नंबर अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर चौंक जाएंगे। यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है, शेयर को याद रखिए, हाईएस्ट एवर सेल्स, ओके, यहाँ पर प्रॉफिट भी देखेंगे तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट, ओके, ये कंसोलिडेट नंबर। स्टैंड अलोन की बात करें हाईएस्ट एवर ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर कंपनी यहाँ पर अपने नंबर प्रेजेंट कर रही है। एंड इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अदर इनकम, ओके, अदर इनकम तो यहाँ पर इस बार की जीरो है। इससे पहले 17-19 करोड़ रुपीज के तो अदर इनकम हुआ करती थी, बट विदाउट अदर इनकम कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट पेश कर रही है। ये चीजें मुझे इस कंपनी की काफी बेहतरीन लगी। आपको पता ही है कंपनी क्यों 500 रुपए से यहाँ पर 20 रुपए पे आती हुई दिखाई दी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ सम इंटरनल इशू, बट वो इशू अब खत्म हो गए। यहाँ पर बड़ी बड़ी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी को धीरे धीरे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। डेट फ्री शेयर है और ऐसी डेट फ्री शेयर कभी भी यहाँ पर आपको भागते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें FIs की होल्डिंग कम हुई है, DIs की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है, प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 42.6% है और यहाँ पर बात करें पब्लिक के पास भी लगभग 40% के शेयर है। तो वक्रांगी की अगर बात करें, वक्रांगी में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी ये शेयर भागता ये सीधे आपको 5-5-10% यहाँ पर भागता हुआ दिखाई देगा। और इसके टारगेट की बात करें तो ये 45-47 रुपीज तक आ जाए तो एग्जिट करने की सोचिएगा। इसे लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो की तरह बनाने की कोशिश मत करिएगा, बट टारगेट यहाँ पर 54 का भी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये शेयर काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न देते हुए नजर आ सकता है। इसके अलावा एक और शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे जिससे रिलेटेड मैंने आपको कल परसों के दिन भी यहाँ पर वीडियो बनाई थी। उस दिन यहाँ पर 10% का यहाँ पर अपर सर्किट लगा था ये वाला, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कम शेयर यहाँ पर रिट्रेस हो गया और एक अच्छे दोबारा यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और काफी टाइम से यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। और ये चाल क्या है, यहाँ पर देखिए राकेश झुनझुनवाला की होल्डिंग है पहली बात, और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये 35 उस टाइम था, अब तो रिटर्न और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर 48% तक के रिटर्न यहाँ पर नजर आते हैं और जो कि बनते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए और ये नीचे जितना आ रहा है ना, एक सपोर्ट है सबसे पहले, तो यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। और जितने भी ये शेयर है ये सारे के सारे शेयर यहाँ पर ऑपरेटर एक साथ यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं और एक साथ यहाँ पर इकट्ठा करने के बाद शेयर को ऊपर ले जाएंगे अपर सर्किट में और शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा। छोटा सा शेयर है, जैसे यहाँ पर सर्किट लगा था सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको बताऊं तो देखिए इसी तरीके से कैंडल बनी थी, ओके, यहाँ पर एक कैंडल बनी, इसके बाद शेयर को 2-3 दिन गिराया और इस तरीके से फिर अपर सर्किट के में ले गए। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्यों इस शेयर से रिलेटेड बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी का स्टॉक्स है सबसे पहले, ओके, यहाँ पर लोग क्या भी रहते प्रॉपर्टी का कोई स्टॉक्स बताओ, तो छोटा एक बेहतरीन स्टॉक्स ये आपके सामने है। यहाँ पर देखिए क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे यहाँ पर जो इसके रिजल्ट है, कंपनी यहाँ पर नेगेटिव से प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर रही है, कंसोलिडेट स्टैंड अलोन नंबर यहाँ पर काफी बेहतरीन है ईयरली क्वार्टरली बेस पे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस कंपनी की मुझे यहाँ पर पसंद आती हुई नजर आ रही है। कंसोलिडेट नंबर है, मॉल्स है, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है, सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है, 27.81 प्रमोटर्स, FIs की होल्डिंग अच्छी खासी है, पब्लिक की बात करें फिर पब्लिक है 65.63% की है। इसमें से राकेश से यहाँ देखेंगे राकेश झुनझुनवाला सर यहाँ पर 2.06% की होल्डिंग रखते हैं। राधा कृष्ण दमानी भी यहाँ पर होल्डिंग रखते थे कभी, वो भी 2 क्वार्टर पहले यहाँ पर निकल गए हैं, बट कोई इशू नहीं है। यहाँ पर शेयर काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आता है। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है नहीं, यहाँ पर मुझे शेयर यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से 48% और यहाँ पर से डबल 27 का डबल भी आप करके देखेंगे 54 होता है। तो यहाँ पर देखिए शेयर यहाँ पर आपके पैसे डबल करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके टारगेट यहाँ पर भी नहीं 107 रुपए का टारगेट आ रहा है। अगर जो थोड़ा सा टाइम देंगे तो ये शेयर और भागता होना जाएगा। इसकी तरफ ध्यान दीजिए, कल मैं इसमें दोबारा एंट्री और भी खरीदने वाला हूँ शेयर को। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और शेयर से रिलेटेड जो कि कौन सा है, एम क्लाउड की अगर मैं आपको यहाँ पर बात बताऊं तो कुछ दिन पहले भी यहाँ पर आपको ये शेयर बताया था, कल परसों यहाँ पर भागता हुआ नजर आया, ओके, इसके बाद ये शेयर गिरता हुआ नजर आया और आज के दिन में ये शेयर
खेल खेल रहा था और ये खेल नहीं खेल रहा था, ऑपरेटर खेल खेल रहे थे कि यहाँ पर अपर सर्किट लगाया 2 दिन से, फिर नीचे लेके आया, फिर उसके बाद दोबारा अपर सर्किट लगाया, फिर यहाँ पर नीचे लेके आए। शेयर काफी बेहतरीन है, ओके, काफी यहाँ पर से एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, इससे पहले भी यहाँ पर सपोर्ट था, तो यहाँ से कभी यहाँ पर आपको अपर सर्किट में चलते हुए नजर आके ये शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न दे देंगे, ज्यादा रिटर्न के पीछे नहीं, फिर भी 40 का स्टॉक्स यहाँ पर 50-55 रुपीज तक भी पहुंच जाएगा, तो अच्छे खासे रिटर्न मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। ओके, तो इसमें भी यहाँ पर इस शेयर की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। एम क्लाउड की बात करूँ, एम क्लाउड यहाँ पर अच्छा खासा है, हमें यहाँ पर नजर आता है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे स्मॉल कैप कंपनी है तो यहाँ पर रिस्क भी इन्वॉल्व है, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, बट इसके रिजल्ट ईयरली क्वार्टरली बेस पे काफी बेहतरीन थे, अदर इनकम यहाँ पर ज्यादा थी इसकी वजह से भी कह सकते हैं आप, बट मुझे ओवरऑल यहाँ पर स्टैंड अलोन नंबर की भी बात करें, स्टैंड अलोन नंबर में भी ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी, ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा है। FIs की होल्डिंग यहाँ पर अच्छी, सॉरी यहाँ पर प्रोमोटर्स की उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट्स है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास 32% की होल्डिंग है, तो थोड़ा सा ध्यान एम क्लाउड की तरफ दे सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे दो और शेयर से रिलेटेड जो कि फार्मा के हैं, ओके, जो कि यहाँ पर आपको 3 महीने का टाइम देंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हुए नजर आएंगे। क्यों, इसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। सबसे पहला है मार्कसन, आज की बात करें लगभग 1.5-2-3-4% ऊपर था, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा रिट्रेस हुआ, फिर भी 1.5% यहाँ पर शेयर भागता हुआ नजर आया। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के नाम से ये शेयर काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आता है। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो शेयर एक अच्छे खासे यहाँ पर कंसोलिडेशन के फेज में यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, एक अच्छा खासा यहाँ पर ये इसके सारे सपोर्ट ही है, ये जितना भी है ये शेयर सपोर्ट नजर आ रहा है। लास्ट टाइम इसने सपोर्ट तोड़ के यहाँ पर नीचे आया, और यहाँ पर ये समझिए कि इसका सपोर्ट ये है 57 का, और यहाँ से चीजें ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, नीचे आते हुए, और ज्यादा नहीं, ज्यादा 60-50-20% के रिटर्न के लिए मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम भी ये शेयर यहाँ गिरा था तो यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया था, 20% के रिटर्न दिए, दोबारा यहाँ पर गिर रहा है, यहाँ पर दोबारा मैं सोच रहा हूँ कि 20% तक के रिटर्न यहाँ पर मुझे मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्यों कह रहा हूँ मार्क्सन अच्छा है, क्योंकि इसके जो जो बड़ी बड़ी कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो यहाँ पर छोटी कंपनी ने करके दिखा दिया हाईएस्ट एवर रिजल्ट। और यहाँ पर प्रॉफिट बात करें, कंपनी का प्रॉफिट भी देखिए अच्छा, यहाँ पर एक्सपेंसेस ज्यादा हुए बट स्टिल कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया है। यहाँ पर प्रॉफिट में थोड़ा सा गिरावट है बट स्टिल ओवरऑल बात करें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टैंड अलोन नंबर देखेंगे तो जो ईयरली बेसिस पे 1 करोड़ का यहाँ पर थोड़ा सा कम प्रॉफिट हुआ है, बट क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे 4 करोड़ का ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, बट ईयर क्वार्टरली बेसिस पे 1 करोड़ का कम, और कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है, ये सारी चीजें इसकी पॉजिटिव है। यहाँ पर FIs की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, जो होनी थी वो हो गई, अब यहाँ पर शेयर भागता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा एक और छोटा सा शेयर है जिसके बारे में यहाँ बात करना चाहता हूँ, मॉर्पन लैब। मॉर्पन लैब 49 रुपीज का स्टॉक्स है, एक बेहतरीन सपोर्ट पे चल रहा है, बट शेयर यहाँ पर थोड़ा सा और रिट्रेस हो सकता है 47 रुपीज तक, जो इसने अपना लास्ट टाइम लो बनाया था वही लो यहाँ पर बना के दोबारा बना सकता है, तो इसके लिए भी यहाँ पर तैयार रहिएगा, और थोड़ा सा और यहाँ पर रिट्रेस होगा तो यहाँ उसके लिए भी तैयार रहिए। तो 42% के तो देखिए अपसाइड यहाँ पर नजर आ ही रहे, बट उसके लिए टाइम दे सकता है, बट अगर हम यहाँ पर देखें तो एक 200 DMA के एक बेहतरीन सपोर्ट इसने काफी टाइम से यहाँ पर ले रखा है, और यहाँ से शेयर थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेस होके ओके, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जंप यहाँ पर लगा सकता है, जो कि 3 महीने के अंतर अंतर मुझे लगता है कि यहाँ पर दोबारा 61 रुपीज का टारगेट, जो कि यहाँ पर लगभग 11-12 रुपए होते हैं, 22% के रिटर्न होते हैं, अच्छे खासे तरीके से ये यहाँ से भाग सकता है। मॉर्पन लैब की अगर बात करूँ, इसके नंबर तो और भी बेहतरीन थे, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं स्मॉल कैप कंपनी है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, इस चीज को याद रखना, हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स थी। प्रॉफिट की बात करें ईयरली बेसिस पे देखिए, क्वार्टरली बेसिस पे देखिए वो ज्यादा था, ईयरली बेसिस पे देखिए वो ज्यादा था, तो ये इसलिए यहाँ पर ये शेयर गिरता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। कंसोलिडेट नंबर ज्यादा थे, यहाँ पर बात करें स्टैंड अलोन नंबर ज्यादा थे, कंपनी यहाँ पर कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है। इसके अलावा FIs की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई है, DIs की थोड़ी सी कम हुई है, प्रमोटर्स की एज इट इज है, और यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई है, पब्लिक में भी बड़े बड़े यहाँ पर लोगों ने ले रखी है। तो ये यहाँ पर हमारे कितने 7 स्टॉक्स हो गए जिनकी तरफ आपको ध्यान देना है, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, सारे के सारे स्टॉक 50, 60, 30, 20, 40 रुपीज के आसपास के हैं। अच्छा लगे वीडियो तो यहाँ पर कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। प्लेलिस्ट को यहाँ पर गो थ्रू कर लीजिए, बाइंग सेलिंग की यहाँ पर वीडियो को सीखिए यहाँ पर देख के, और यहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।